वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं हमारे न्यू वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम की क्लास। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस आया है। जिन छात्रों की वार्षिक परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत बैक आई है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण नोटिस है। आप सभी के बैक फॉर्म ऑनलाइन आ गए हैं, आप सभी अपने बैक के फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हो। तो आइए अब मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए विश्वविद्यालय से जारी ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये विश्वविद्यालय से जारी ऑफिशियल नोटिस है जो कि दिनांक 23/11/2022 को जारी किया गया है। विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों में वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत स्नातक स्तर पर संचालित बीए बीकॉम रेगुलर एंड प्राइवेट यानी संस्थागत व्यक्तिगत बीएससी बीएससी फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एंड स्पोर्ट्स संस्थागत तथा स्नातकोत्तर स्तर पर संचालित एमए एमकॉम व्यक्तिगत पाठ्यक्रमों की मुख्य परीक्षा 2022 सत्र 2021-22 संपन्न कराई जा चुकी है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत उपरोक्त संदर्भित समस्त पाठ्यक्रमों की बैक पेपर परीक्षा भी कराई जानी प्रस्तावित है। उपरोक्त पाठ्यक्रमों के समस्त छात्र छात्राओं की बैक पेपर परीक्षा के परीक्षा फॉर्म माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ccsuniversity.ac.in एवं www.ccsuweb.in पर विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा निम्नांकित तिथि के अनुसार ऑनलाइन भरवाए जाने प्रस्तावित है। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथियां निम्नानुसार प्रस्तावित है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। छात्र छात्राओं द्वारा परीक्षा फॉर्म वेबसाइट पर ऑनलाइन भरने एवं ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि 23/11/2022। छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने तथा ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 29/11/2022। परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरने की आरंभिक तिथि 23/11/2022 होगी और अंतिम तिथि 29/11/2022 होगी। समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों सहित परिपूर्ण परीक्षा फॉर्म संबंधित महाविद्यालयों में जमा कराने एवं सत्यापन कराए जाने की अंतिम तिथि 1/12/2022 होगी। महाविद्यालय संस्थानों द्वारा परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में जमा कराने की अंतिम तिथि 3/12/2022 होगी। यहाँ पर एक नोट दिया गया है जिसमें लिखा गया है बैक परीक्षा फॉर्म के नियम संलग्न हैं। इसके कुछ नियम होंगे जो कि आपको दिए गए हैं। यहाँ पर समस्त अर्ह छात्र छात्राएं परीक्षा फॉर्म भरे जाने से पूर्व विश्वविद्यालय वेबसाइट www.ccsuniversity.ac.in पर उपलब्ध वार्षिक सेमेस्टर पाठ्यक्रमों से संबंधित समस्त नियमों का भली भांति अध्ययन करने के पश्चात ही परीक्षा फॉर्म भरा जाना सुनिश्चित करें। मात्र मुख्य परीक्षा 2022 में सम्मिलित छात्र ही उक्त बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह है। मुख्य परीक्षा 2022 से पूर्व के छात्र इस बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह नहीं है। यानी जिन छात्रों ने 2022 की मुख्य परीक्षा दी है केवल वे ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। बैक पेपर परीक्षा 2022 के कुछ यहाँ पर नियम भी दिए गए हैं, आइए हम इन नियमों को भी देख लेते हैं। पहला नियम दिया गया है यहाँ पर, किसी भी छात्र छात्रा को रीबैक यानी बैक पेपर की पुनः परीक्षा की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियम दो में लिखा गया है, ऐसे छात्र छात्रा जिन्होंने पार्ट सेकंड, थर्ड और फोर्थ की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है परंतु बैक पेपर परीक्षा देने के उपरांत भी ऐसे छात्र पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की परीक्षा में अनुत्तीर्ण है तो ऐसे संबंधित छात्र छात्रा पुनः बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे बल्कि उन्हें उस कक्षा अनुत्तीर्ण कक्षा की संपूर्ण परीक्षा देनी होगी। नियम तीन यहाँ पर दिया गया है, जो छात्र छात्रा स्नातक स्नातकोत्तर परीक्षा में श्रेणी अंक सुधार परीक्षा हेतु मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होते हैं उन्हें बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं है। नियम चार यहाँ पर दिया गया है, एकल विषय एक विषय की परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी बैक पेपर परीक्षा में बैठने हेतु अर्ह नहीं है। नियम पाँच में यहाँ पर दिया गया है, परीक्षा में अंक सुधार की दृष्टि से अथवा बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा फल घोषित होने के उपरांत आगामी बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु केवल एक ही अवसर दे होगा। अभ्यर्थी परीक्षा को बैक पेपर परीक्षा में अनुमन्य पेपर संख्या यहाँ पर बीए बीकॉम बीएससी वार्षिक प्रणाली के लिए दिया गया है, एक मुख्य विषय या ग्रुप का एक अथवा एक से अधिक विषय कोड।
एमकॉम व्यक्तिगत, बीएससी कृषि, बीएससी पीईएचई एंड स्पोर्ट्स और एलएलबी वार्षिक प्रणाली के लिए यहाँ पर दिया गया है अधिकतम दो पेपर। ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें छः या छः से अधिक पेपर सम्मिलित हैं तो उनमें अधिकतम दो पेपर की बैक पेपर परीक्षा दे सकते हैं। एमए व्यक्तिगत, एलएलएम वार्षिक प्रणाली के लिए केवल एक पेपर। यहाँ पर एक नियम और दिया गया है जो कि यहाँ पर नोट्स में लिखा गया है, अभ्यर्थी परीक्षार्थी को उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य विषय के साथ फाउंडेशन कोर्स, क्वालिफाइंग कोर्स के प्रश्न पत्रों में यदि वह इसमें अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण है तो इसके बैक पेपर परीक्षा की अनुमन्यता होगी, यानी वे बैक पेपर परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। स्नातक स्तर पर दो प्रश्न पत्रों में, स्नातकोत्तर स्तर पर एक प्रश्न पत्र में, तथा जिन पाठ्यक्रमों में छः या छः से अधिक प्रश्न पत्र है उनमें दो प्रश्न पत्रों में, एलएलएम या एमएड में किसी एक प्रश्न पत्र में, तथा बीएड एवं एलएलबी में दो प्रश्न पत्रों में बैठने की अनुमति दी जा सकती है। यदि कोई छात्र मुख्य परीक्षा के साथ फाउंडेशन कोर्स व क्वालिफाइंग कोर्स में भी फेल है तो वह मुख्य परीक्षा के साथ एक फाउंडेशन कोर्स बैक पेपर परीक्षा में बैठने हेतु अर्ह होगा। तो यहाँ पर यही रूल दिए गए हैं। तो यदि आपकी भी किसी सब्जेक्ट में बैक आई है तो आप भी बैक परीक्षा फॉर्म भर सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।